वेलकम टू माय चैनल आई लॉ टॉक्स। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज हम तलाक का विषय पढ़ेंगे और तलाक के प्रकार में हम पढ़ेंगे इला तलाक। मुस्लिम विधि में सबसे ज़्यादा तलाक के प्रकार दिए गए हैं। मुस्लिम विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत बहुत से तलाक के प्रकार दिए गए हैं। केवल एक ही प्रकार का तलाक जो तीन तलाक है वही नहीं है, और ना ही ऐसा है कि केवल पति को ही तलाक का अधिकार है, पत्नी को भी बहुत से तलाक के अधिकार दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दिया गया है उसको आप क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अरबी भाषा में तलाक शब्द का अर्थ होता है निराकरण करना या नामंजूर करना, परंतु मुस्लिम विधि के अंतर्गत इसका अर्थ होता है वैवाहिक बंधन से मुक्त करना। तलाक के प्रकार तीन भागों में विभाजित हैं। पहला है ईश्वरीय कृत्य द्वारा, दूसरा है न्यायोत्तर विवाह विच्छेद, और तीसरा है पक्षकारों के कृत्य द्वारा न्यायिक विवाह विच्छेद। ईश्वरीय कृत्य द्वारा में अगर पति की मृत्यु हो जाती है, दोनों पक्षकार में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो तलाक हो जाता है, और इस क्योंकि मृत्यु ईश्वर देता है इसलिए माना जाता है कि ईश्वरीय कार्य के द्वारा तलाक हुआ है। फिर हमारे पास है न्यायोत्तर विवाह विच्छेद, जो न्यायालयों से हटकर होता है, न्यायालय में जाकर नहीं होता है, तो ऐसा विवाह विच्छेद होता है पति के द्वारा जो होता है तलाकुल सुन्नत तलाकुल बिद्दत। पत्नी के द्वारा खुला तलाक, तलाक तफवीज़, पारस्परिक सहमति से मुबारत। आज हम तलाक का प्रकार पढ़ेंगे पक्षकारों के कार्य के द्वारा न्यायिक विवाह विच्छेद। इसमें हमारे पास है इला, जिहार, लियन और फस्क। आज हम पढ़ेंगे इसका पहला वाला पार्ट इला। दोस्तों, इसके पहले वाले तलाक के प्रकारों को अगर आपके मेरे देखना है तो मैंने इसके पहले वाले जितने भी वीडियो अपलोड करे हैं वो तलाक के प्रकार के बारे में हैं, तो आप उनके इसके पहले के वीडियो को देख लीजिए तो आपको तलाकुल सुन्नत, बिद्दत, खुला तलाक, मुबारक तलाक, ये सारे तलाक मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं इला तलाक की। इला का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना। ये जो तलाक है ये वो तलाक है जो पक्षकारों के कार्य के द्वारा न्यायालय में जाकर विवाह विच्छेद किया जाता है, और अगर हम देखें तो ये तलाक जो है इसका अधिकार पत्नी को दिया गया है। पत्नी जो है वो इला तलाक पति से ले सकती है, इला के आधार पर पति से तलाक ले सकती है। अब प्रतिज्ञा द्वारा तलाक, जब कोई वयस्क एवं स्वस्थचित मुस्लिम पति अपनी पत्नी के साथ 4 माह या उससे अधिक अवधि तक संभोग न करने की प्रतिज्ञा करता है तो उसे इला द्वारा विवाह विच्छेद कहा जाता है। इला के लिए कहे गए शब्द अभिव्यक्त और विवक्षित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पति अगर कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ संभोग नहीं करूँगा, या वो ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पत्नी के शयन कक्ष में नहीं जाऊँगा या मैं पत्नी के पास नहीं आऊँगा, तो ये इला तलाक, मतलब उसने प्रतिज्ञा ले ली है, खुदा की कसम खा ली है, अल्लाह की कसम खा ली है, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा किस बात की करी है उसने? आत्मनियंत्रण की, अपने आप पे कंट्रोल करने की, कि मैं उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊंगा। और अगर वो अपनी इस प्रतिज्ञा पे कायम रहता है 4 माह या जितनी भी अवधि तक के लिए उसने ये प्रतिज्ञा ली है, तो पत्नी को ये आधार मिल जाता है कि वो इला तलाक के लिए न्यायालय में जाए और पति से इला के रूप में तलाक ले ले। इला में पत्नी को मूला और पत्नी को मूली कहा जाता है। इला तलाक के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? पहला, पति वयस्क और स्वस्थचित हो। अब पति वयस्क और स्वस्थचित हो तलाक के हर पॉइंट में दिया हुआ है, जितने भी आप तलाक के प्रकार पढ़ोगे सब में ये एक पॉइंट कॉमन है। दूसरा है, पति ने अपनी बीवी के साथ 4 माह या उससे अधिक अवधि तक संभोग ना करने की कसम खाई हो। तो दूसरा सबसे जो मेन आधार है इला का, जो आधार है वो यह दूसरा वाला आधार ही है कि पति अपनी पत्नी के साथ संभोग ना करने के लिए कसम खा रहा हो, और कसम भी उसने अल्लाह की खाई हो, खुदा की खाई हो, ईश्वर की खाई हो। अगर वो पत्नी की कसम खाता है तो इला तलाक नहीं होगा, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाता है तो भी वो इला तलाक नहीं होगा, उसको अल्लाह की, ईश्वर की ही कसम खानी होगी। यह तीसरा पॉइंट है कि पति ने अपनी पत्नी के साथ 4 माह या उससे अधिक तक संभोग ना किया हो, मतलब जो प्रतिज्ञा उसने की है
चार माह की या उससे भी अधिक समय की पत्नी के साथ संभोग नहीं करेगा, और अगर उसने उसनी अवधि में संभोग नहीं किया है तो फिर पत्नी को यह आधार मिल जाएगा कि वो न्यायालय में जाकर पति से तलाक या विवाह विच्छेद ले सकती है। इना तलाक किस प्रकार से रद्द किया जा सकता है? ऐसे कौन से आधार हैं जिनके आधार पर इना तलाक को रद्द किया जा सकता है? तो इना तलाक को रद्द करने का आधार हमारे पास दो आधार है। पहला, यदि चार माह के अंदर पति ने अपनी पत्नी के साथ संभोग कर लिया हो। अगर पति ने जिस समय अवधि की प्रतिज्ञा की हो, चार माह की या फिर उससे अधिक अवधि की, और इस अवधि में चार माह पूरे होने से पहले अगर उनके बीच में पति पत्नी वाली रिलेशनशिप फिर से बन जाती है, तो फिर पति जो है वो तलाक का नहीं हुआ, पति जो है उसने अपनी पत्नी के साथ संभोग कर लिया, तो इला तलाक जो है वो रद्द हो जाएगा और दोनों के बीच में फिर से पति पत्नी वाले संबंध बन जाएंगे। दूसरा, यदि इस अवधि के भीतर मौखिक रूप से इला का खंडन कर दिया गया हो, यानी कि चार माह की अवधि या से अधिक की अवधि का जो प्रतिज्ञा की गई थी उसको खंडन कर दिया गया हो मौखिक रूप से, मतलब पति पत्नी के बीच में संबंध तो नहीं बने लेकिन उन्होंने इसको खंडन कर दिया कि मैं इस तलाक को इस प्रतिज्ञा को ख़त्म करता हूँ, तो इला तलाक जो है वह रद्द हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो इला तलाक है वो इला तलाक एक ऐसा तलाक है जो कि पत्नी को अधिकार मिला हुआ है, और इसका मतलब होता है कि पति जो है वो एक प्रतिज्ञा करता है, आत्मनियंत्रण की प्रतिज्ञा करता है। ईश्वर की कसम खाना इसमें आवश्यक होता है, वो अल्लाह की कसम खाकर कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा तो ही इला तलाक होगा। दोस्तों, ये मुस्लिम विधि के जो न्यायालय न्यायिक विवाह विच्छेद के आधार हैं, ये थोड़े से रोचक हैं, और जो लोग पहली बार मुस्लिम विधि को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा विषय भी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा ये मुस्लिम विधि के टॉपिक से समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।